नीरज आसिया का नमस्कार। आज हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे। क्या होता है ये मानसिक स्वास्थ्य? यदि स्वास्थ्य संपदा है तो मानसिक स्वास्थ्य जीवन है। इफ हेल्थ इज वेल्थ देन मेंटल हेल्थ इज लाइफ। मानसिक स्वास्थ्य में हम अपने मस्तिष्क को यह सिखाते हैं, यह ट्रेन करते हैं कि कैसे इस स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से बचे। इसकी साइकिल में भी यही आता है। सबसे पहले आपको स्ट्रेस होती है, उसके बाद ये एंग्जाइटी में परिवर्तन होता है, फिर ये डिप्रेशन में जाता है, और फिर ये फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है, और उसके बाद आप सुसाइडल पे चले जाते हैं। आप ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं और सुसाइड की तरफ कदम उठाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्ट्रेस से, तनाव से। आप सबसे पहले कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं या कोई आपको अपने हाथ में कोई कार्य देता है, जब आप वो कार्य नहीं कर पाते हैं तो आपको तनाव होता है। ऐसी स्थिति कुछ दिन रहती है, जब आप इसे नहीं सुधार पाते हैं तो आप अगली स्टेज में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में। कुछ दिन आप बाहर रहते हैं, यदि आप इस स्टेज को दूर कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो आप चले जाते हैं तीसरी स्टेज में, डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, और यही स्थिति फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब मुझे कोई भी कार्य नहीं करना। पार्टिसिपेट करने के बजाय आप रन अवे करते हैं, भाग लेना के बजाय आप भाग लेना पसंद करते हैं, और आप उठाते हैं वो कदम जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। तो ये है मानसिक अस्वस्थता। और मानसिक स्वस्थता क्या है? आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लोगों से मिलते हैं, सारे कार्य स्वस्थता से करते हैं। तो अब इसकी साइकिल क्या है ये हमने देखी है, अब इसके लक्षण भी हमने देख लिए। लक्षण की हम अगर बात करें तो सिर भारी हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, किससे मिलने की इच्छा नहीं होती है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, ज़्यादा सोते हैं या कम सोते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनिद्रा, शरीर भारी, मन भारी, आत्मा भारी, सब भारी, आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। अब बात करें इसके बचाव की, तो तीन काम हमें करने हैं। सबसे पहला हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी है। साइकोलॉजी की भाषा में हमें वो कार्य करने हैं जो मानसिक हैं, विचारों में परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? नंबर एक, एक्सेप्टेड। मान लीजिए कोरोना लग गया, मान लीजिए कोरोना के बाद लॉकडाउन हो गया, मान लीजिए कि सब बंद हो गया, जॉब छूट गई। नंबर दो, आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट ओनली, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं अकेला नहीं हूँ, यह केवल मेरे लिए नहीं हुआ है। नंबर तीन, लेट गो, जाने दो, जो हो गया जाने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। नंबर चार, वह कंट्रोल कीजिए जो आपके हाथ में है, जो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं उसे मत कीजिए, जैसे आंकड़े आपके हाथ में नहीं है, वैक्सीन नहीं बनी आपके हाथ में नहीं है। नंबर पाँच, आपको अपने मन को यह बताना है कि अब मुझे आगे क्या करना है, ये सिचुएशन तो आ गई है, अब मुझे आगे क्या करना है, अपने मन को बताइए और कार्य कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर दो, शारीरिक कार्य जिसमें कष्ट नहीं होता, डायरी लिखिए, इन दुखों को लिखिए, आप लोगों से बात कीजिए, वाद्य यंत्र बजाइए, आप म्यूजिक सुनिए, लेकिन ऐसी नहीं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, ऐसे गानों से आप और इस स्ट्रेस में जाएंगे। आप अच्छे अच्छे गाने सुनिए, आत्मकथाएँ पढ़िए, आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए, फिल्में देखिए, आप भजन गाइए, आप अच्छा संगीत सुनिए, ऐसे कार्य करिए जिससे आपका मन हल्का होता हो। नंबर दो, शारीरिक कार्य कीजिए, शरीर को इतना थका दीजिए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, जुम्बा कीजिए, नाचिए, गाइए, कूदिए, चीखिए, चिल्लाइए, पागलपन की हद तक, केवल पागल नहीं होना है। आप कुछ भी करें, व्यायाम करें, कसरत करें, रस्सी कूदें, जंपिंग करें, चलें, दौड़ें, भागें, आप शरीर को थका दें, पसीना पसीना हो जाए, कुछ भी करें, मगर ये ना करें मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बात आप व्यसन न करें, शराब या किसी तरह का अन्य, सिगरेट या अन्य कोई व्यसन न लें। व्यस्त रहें, मस्त रहें, किंतु अस्त व्यस्त न रहें, स्वस्थ रहें, मानसिक स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।